सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं हम आपके अपने चैनल ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में। दोस्तों आज हम हैं आपको लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, यहां से हम आपको वॉकिंग कराते हुए चर्च गेट स्टेशन तक का सफ़र आपको तय कराएंगे, ताकि आपको पता चले कि मुंबई में स्ट्रीट कैसे हैं और कैसी खूबसूरती है मुंबई की। दोस्तों तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं, आप हैं हमारे साथ में दोस्तों, तो कोई टेंशन नहीं, चलिए। दोस्तों आज का सफ़र बहुत ही आनंददायक होने वाला है, ये हम आपको लेकर शुरू कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से, और स्ट्रीट वॉक करते हुए दोस्तों आपको चर्च गेट इवन मरीन ड्राइव तक का सफ़र हम आपको तय कराने वाले हैं। आपको भी पता चले कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से अगर हमें चर्च गेट स्टेशन जाना है तो कितनी दूरी है। तो दोस्तों ये जो दूरी है यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी है, आप पैदल चलकर जा सकते हैं। ये हम आपको हर एंगल से दिखा रहे हैं दोस्तों, और ये राइट साइड में ही दोस्तों आज़ाद मैदान है, जहाँ पर कि बहुत बड़ी बड़ी जो फंक्शंस होते हैं, रैलियाँ होती हैं दोस्तों मुंबई शहर में। और ये यहाँ पर ये राइट साइड में पूरा आज़ाद मैदान का ही दृश्य है उसका, ये आप ये देख सकते हैं आज़ाद मैदान का ये फोटोग्राफ, यहाँ पर ये राइट साइड में ही पड़ता है दोस्तों ये। और यहाँ पर बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन मुंबई शहर में किया जाता है, और हम आपके साथ में आप हमारे साथ में और हम आपके साथ में घूम रहे हैं मुंबई, और मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से हम आपको स्ट्रीट वॉक करा रहे हैं दोस्तों, और आपको लेकर जा रहे हैं चर्च गेट, और बीच बीच में कौन कौन सी जगहें आएंगी सारी जगह हम आपको बताते हुए चलेंगे। इस 1.5 किलोमीटर के सफ़र में आपको बहुत ही जानकारियां मिलने वाली है और बहुत ही आनंद आने वाला है दोस्तों आपको। तो ये हम पहुँच चुके हैं यहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से मात्र 0.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये यहाँ का सबसे बड़ा फैशन स्ट्रीट जिस जगह को कहा जाता है, यहाँ पर आकर दोस्तों आप बहुत ही सस्ते में अपने कपड़े परचेज कर सकते हैं। ये सामने की रो आप ये देख सकते हैं जो लाइटें जली हुई है, ये पूरा फैशन स्ट्रीट है दोस्तों, और यहाँ पर आकर आप सस्ते में शॉपिंग कर सकते हैं। और चलिए आपको आगे लिए चलते हैं और मुंबई की खूबसूरती दिखाते हैं दोस्तों। ये पूरा स्ट्रीट भी मुंबई के आप देख लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि आप हमारे साथ में घूम रहे हैं पूरा मुंबई, आप घर बैठे आपको सारी जानकारी मुंबई की मिल जाएगी दोस्तों। और ये बस सिग्नल जैसे ही होगा तो हम लोग क्रॉस करते हैं, और क्योंकि नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है, यातायात के नियमों का पालन, नहीं तो कुछ भी घटना घटित हो सकती है दोस्तों। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, इसलिए ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये पूरा का पूरा व्यू आप ये देख लीजिए, हमने सफ़र शुरू किया था छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से, और हम आपको लेकर जा रहे हैं चर्च गेट स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, और ये हम आपको लेकर इसके पश्चात पहुंचने वाले हैं फ्लोरा फाउंटेन, बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों मुंबई की, और यहीं आसपास में इर्द गिर्द ही पूरा गेटवे ऑफ इंडिया है। चर्च गेट और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के आसपास ही सभी घूमने की जगह है, और यहीं पर ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग्स हैं बहुत ही पुरानी, और यहाँ पर शूटिंगों का सिलसिला होता रहता है, चलता रहता है दोस्तों। और जिस जगह पर हम आपको लेकर जा रहे हैं वहाँ पर हर सैटरडे और संडे शूटिंग हुआ करती है। मुंबई में अगर आप आते हैं तो अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाती है शूटिंग, या फिर नाइट में शूटिंग की जाती है, और जैसा सीक्वेंस होता है ये हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं ये फ्लोरा फाउंटेन। जी हाँ दोस्तों, इसी रोड से अगर आप सीधे चले जाएंगे तो गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच जाएंगे, पैदल भी आप आराम से जा सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है।
चलिए रोड पहले क्रॉस कर लेते हैं, उसके पश्चात आपको आगे की जानकारी देते हैं, क्योंकि सावधानी बरतना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये हमने रोड को क्रॉस कर लिया है और ये पूरा फ्लोरा फाउंटेन की खूबसूरती को आप ये देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हर सैटरडे और संडे यहाँ पर शूटिंग आपको देखने को मिल सकती है जब भी आप मुंबई शहर में आते हैं। ये फ्लोरा फाउंटेन की खूबसूरती को आप ये देख रहे हैं, यहीं पर ये हम आपको क्लोज से भी शॉट लेकर आपको दिखा रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, क्योंकि मुंबई तो फिल्मों का ही शहर इसको माना जाता है। और यहाँ से अब हम आपको और आगे लिए चल रहे हैं, यहाँ से हमने राइट लिया और बिल्कुल मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर ही चर्च गेट स्टेशन जो है स्थित है। और ये राइट साइड में जो बिल्डिंग चल रही है दोस्तों, ये मुंबई हाई कोर्ट है। ये हमारे राइट साइड में जो आप देखेंगे मुंबई हाई कोर्ट का ये चौराहा है, और इसी के जस्ट बाद में दोस्तों पूरा जो चर्च गेट स्टेशन आ जाता है। और चलिए आपको लिए चलते हैं। और ये पूरी यहाँ पर बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स है, और ये राइट साइड में जो है हाई कोर्ट है दोस्तों, और बॉम्बे हाई कोर्ट। भगवान किसी को भी कोर्टों से और हॉस्पिटल से बचाए, बस यही दुआ करते हैं। और अच्छे से रहिए जीवन में खुशहाली के साथ में। और ये यहाँ पर ये चर्च गेट स्टेशन के पास में बहुत ही खूबसूरत ये पार्क है, ये हम आपको इसके अंदर भी लिए चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ से कैसा व्यू लगता है। बस हम चर्च गेट स्टेशन के पास में पहुँचने ही वाले हैं। और ये यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पार्क है, लोग यहाँ पर सेल्फी वगैरह लेने के लिए भी आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। ये हम आपको अपनी YouTube फैमिली को भी हमने चाहा कि अब यहाँ पूरा का पूरा जो है स्ट्रीट वॉक आपको करा रहे हैं, तो साथ में खूबसूरत जगह भी दिखाना ज़रूरी होता है, अच्छा लगता है। और ये आप ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, यहीं पर राइट साइड में सामने बॉम्बे हाई कोर्ट है। और चलिए यहाँ से अब हम आपको चर्च गेट स्टेशन की ओर लिए चलते हैं। और दोस्तों मुंबई में लोग एक्चुअली पैदल चलना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, स्वस्थ रहने के लिए आपको वॉकिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए हम वॉकिंग भी कर रहे हैं, स्वस्थ भी रह रहे हैं, और अपनी YouTube फैमिली को अच्छे अच्छे वीडियोस भी दिखा रहे हैं, ताकि मुंबई की लाइफस्टाइल पता चले लोगों को किस तरीके से मुंबई जो है बसा हुआ है। और मुंबई में हर इंसान भागम भाग में रहता है दोस्तों, उसको उतने टाइम में वहाँ पहुँचना है तो वो लोकल ट्रेन के माध्यम से कहीं पर भी पहुँच सकता है, क्योंकि हर एक दो मिनट में लोकल ट्रेन चलती है। और ये सबवे है स्टेशन पर पहुँचने के लिए, चर्च गेट स्टेशन पर पहुँचने के लिए सबवे है। और यहाँ पर बहुत सारे सामग्री जो है ख़रीदारी की यहाँ पर मिलती है, बहुत सारी दुकानें हैं नीचे। चलिए हम आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं, अगर आपको कपड़े ख़रीदने हैं, जूते ख़रीदने हैं, बैग्स ख़रीदने हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सस्ते में आपको यहाँ पर सामान मिल जाएगा, अगर आप चर्च गेट स्टेशन पर आकर ख़रीदारी करना चाहते हैं दोस्तों। तो जो भी जीन्स चाहिए, हाफ पैंट चाहिए, हर तरह का सामान, मोबाइल का सामान, जो भी आपको आवश्यकता है, चश्मे, ग्लासेस, जो भी आपको चाहिए, यहाँ पर हर वैरायटी आपको दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगी। और बहुत ही वाजिब दाम में आप यहाँ पर आकर अपनी ख़रीदारी कर सकते हैं। ये पूरा ये सबवे सीधा आपको चर्च गेट स्टेशन पर ही, लोकल स्टेशन पर ही लेकर जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में बाहर गाँव के लिए भी ट्रेनें चलती है, लेकिन ये सिर्फ लोकल का ही स्टेशन है दोस्तों, चर्च गेट स्टेशन जो है। और चलिए स्टेशन को अंदर से हम आपको घुमा देते हैं एक बार, चर्च गेट स्टेशन किस तरीके से लगता है।
क्योंकि हमने जो शुरुआत की थी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से की थी और आपको बताया था कि हम आपको लेकर जा रहे हैं चर्च गेट स्टेशन, और यहाँ से भी आगे हम आपको लेकर जाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा। मरीन ड्राइव कहाँ पर है और वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है, और ये सब बातों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये चलिए पहले आप ये घूम लीजिए हमारे साथ में। ये है चर्च गेट स्टेशन लोकल। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भी आकर लोकल जो ट्रेनें हैं समाप्त हो जाती है, और चर्च गेट स्टेशन के पास में ही पूरा यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया, अगर आपको पैदल भी जाना है तो जहाँ से सबवे से हम अंदर एंट्री करे थे वहीं से आप पैदल जा सकते हैं। मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और आप अपने पैसों को बचा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। पैदल चलना बहुत ही ज़रूरी है, ये लोकल ट्रेन। तो दोस्तों, हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से चले थे और आपको लेकर आ चुके हैं ये चर्च गेट स्टेशन, जो कि लोकल। यहाँ पर ट्रेनें जो हैं समाप्त हो जाती है, और ये पीछे आप चर्च गेट स्टेशन को आप दोस्तों देख सकते हैं, और यहाँ से मरीन ड्राइव जो है बिल्कुल पास ही में है। अब आगे वहाँ तक का रास्ता आपको तय कराते हो। ब्रेबोर्न स्टेडियम और वानखेड़े स्टेडियम चर्च गेट स्टेशन के पास में ही स्थित है। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मरीन ड्राइव। तो ये पूरा चर्च गेट स्टेशन से अब हम आपको आगे लिए चलते हैं, और एक ऐसा होटल आपको दिखाएंगे जहां पर दीवार और नसीब फिल्म की शूटिंग की गई थी। जी हां दोस्तों, ये यहां से मरीन ड्राइव बस बिल्कुल 2 मिनट लगते हैं मरीन ड्राइव जाने के लिए, और उसी के बीच में वो होटल आता है जहां पर नसीब और दीवार फिल्म की शूटिंग की गई थी। तो ये सारी जानकारी हमें इतने सालों से हैं, क्योंकि मुंबई में इतने सालों से यहाँ पर हम रहते हैं। और ये ब्रेबोर्न स्टेडियम, ये ब्रेबोर्न स्टेडियम का जो यहाँ पर है दोस्तों, और आगे राइट साइड में ही जो है मुंबई का सबसे बड़ा स्टेडियम वानखेड़े स्टेडियम यहीं पर स्थित है। चर्च गेट स्टेशन अगर आप आ जाते हैं तो ये यहाँ पर ब्रेबोर्न स्टेडियम है, और ये एम्बेसडर होटल जिसमें नसीब और दीवार फिल्म की शूटिंग की गई थी, उसकी ऊपरी मंजिल जो है घूमती है, ये आप ये देख सकते हैं। इसको थोड़ा अलग साइड से भी हम आपको क्लियरली दिखाएंगे, ये दूर से हमें नज़र आ रहा है इसलिए हम आपको चलते चलते दिखा रहे हैं, और मरीन ड्राइव तक हम आपको लेकर जाएंगे आज के इस वीडियो में। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने हमारे साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से आज चर्च गेट स्टेशन और मरीन ड्राइव तक का सफ़र आप हमारे साथ में तय कर रहे हैं। ये हम आपको लेकर आ चुके हैं, ये एम्बेसडर होटल इसको कहा जाता है, जिसमें कि दीवार और नसीब फिल्म की शूटिंग यहाँ पर की गई थी दोस्तों। और इसको गोलाकार हम आपको दिखाते हैं, और बहुत ही खूबसूरती के साथ में। और ये सामने आप ये देख सकते हैं ब्रेबोर्न स्टेडियम, यहाँ पर इसकी लाइटों को आप देख सकते हैं। और ये लीजिए दोस्तों, ये एम्बेसडर होटल जहाँ पर ये लिखा हुआ, ये आप ये देख सकते हैं ऊपर पूरी मंजिल जो है गोल है, नसीब फिल्म और दीवार फिल्म में यहाँ पर शूटिंग की गई थी। देखिए कितना पुराना होटल है ये एम्बेसडर होटल, और इसी के जस्ट आगे ये समुद्र दिखाई पड़ रहा होगा आपको। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और इसी जगह को मरीन ड्राइव कहा जाता है। यहीं पर ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं समुद्र के किनारे दोस्तों। अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो मुंबई में घूम, भाई सस्ते में भी घूम सकते हैं, महंगे में भी घूम सकते हैं, जैसा इंसान चाहे वैसा अपनी ज़िंदगी में जी सकता है। और ये हम आपको लेकर आ चुके हैं ये मरीन ड्राइव के कॉर्नर पर। जी हाँ दोस्तों, और ये आप मुंबई शहर का मरीन ड्राइव तक का सफ़र छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से।
हम आपको यहाँ तक लेकर आए हैं, रोड क्रॉस करके भी चलेंगे आगे। पहले इस जगह को हम आपको दिखा देते हैं, ये आप ये देख सकते हैं मरीन ड्राइव। जी हाँ दोस्तों, ये मरीन ड्राइव जो है 3.5 किलोमीटर लंबा है और ये होटल्स हैं यहाँ पर। और चलिए थोड़ा क्रॉस करते हैं, और क्रॉस करने के बाद मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं दोस्तों। आज आसमान जो है खुला हुआ है नसीब से, तो बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है दोस्तों मुंबई का, और बहुत ही क्लियर फोटोग्राफी हो रही है क्योंकि बारिश चल रही थी इतने दिनों से, तो बादल ही बादल छाए हुए थे, तो व्यू उतना अच्छा तो था लेकिन थोड़ा धुंधला आ रहा था। लेकिन अभी थोड़ा वाटर लेवल जो है कम हो चुका है, और ये आप ये देख सकते हैं पूरा मरीन ड्राइव का खूबसूरत और मनोहर दृश्य। ये वानखेड़े स्टेडियम की लाइटों को आप ये देख सकते हैं दोस्तों। आने वाले वीडियोस में हम बारीकी से ये सारी जगहों को हम आपको दिखाएंगे और यहाँ की जानकारी आपको देंगे दोस्तों। और ये पूरा मरीन ड्राइव का खूबसूरत दृश्य आज आपने देखा। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो मुंबई शहर के विषय में जानना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको लेकर आ चुके हैं मरीन ड्राइव। तो ये पूरा सफ़र आपको कैसा लगा भाई, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। और भी हम आपको बहुत ही अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे।